सो गाइस क्लास में कर लिया है ज्वाइन, पीछे रुक गया था। गौरव को हमने भेज दिया आगे भाई, क्योंकि वो ज़्यादा ही रुक रहा है। क्लास थोड़ा चल पा रहा है तो अभी फ़िलहाल साथ में चल रहा है। उनके चक्कर में रुक रुक के अभी हम काफ़ी नीचे ही हैं। अभी हमने होना था, काफ़ी आगे होना था, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सबको लेके चलना है साथ में। क्या बोल रहे हो यार, आएगी तुम्हारे घर वाले भी देखते हो, फिर मत बोलना। तो कैसा लग रहा है भाई, कलश कुछ बोलना चाहेगा इस ट्रैकिंग के बारे में? ट्रैकिंग हार्ड है पर रुकना नहीं है, चलते रहना है। रुकना भी है, रुकना भी है, पर हार नहीं माननी। दैट्स माय ब्रो, चलते रहना भाई, रुकना नहीं है। जो भी खाइएगा अपने बैग में तुम्हारा रखिएगा, ऐसे खिलाइएगा। हाँ सही बात है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, कुछ भी खाते हो तो अपने बैग में रखो। तो और कुछ बोलना चाहोगे हमारे साथ वाले? कुछ बोलना चाहोगे पीछे वाले? ट्रैक का मजा आ रहा है ना भाई, ट्रैक का मजा आना चाहिए भाई। गोरखाओं में गिविंग अप इज नॉट इन द ब्लड ब्रदर। दैट्स राइट यो, मोटा है लेकिन चल रहा है भाई। अभी आधे में ख़त्म हो चुका था ये, लेकिन फिर इसको थोड़ा मोटिवेट किया, उसके बाद चल रहा था। आ तो रहा था, वैसे ऐसी बात नहीं, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा था, कुछ ज़्यादा ही धीरे, और हम चल रहे थे कुछ ज़्यादा ही स्पीड में, उस वजह से थोड़ा पीछे छूट गया था ज़्यादा। लेकिन अगर ऐसे सिंपल रास्ता हो तो आराम से बहुत स्पीड कवर कर सकते हैं, आराम से कवर हो जाएगा। अभी गौरव को भेज दिया आगे हमने, अभी काफ़ी खुश हो रहा होगा, अभी रुक गया होगा रास्ते में जाता, मेरे को पता है। उसकी बस की नहीं क्योंकि चढ़ना, क्योंकि भाई वो बिस्तर में घुसा रहता है। अभी व्लॉग में अपने आप की बुराई सुनेगा तो उसने नेगेटिव कमेंट ही करने हैं, हमेशा की तरह। मत हमें उससे मतलब नहीं है, सच्चाई कड़वी होती है भाई, जो उसको भी पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, वो थोड़ा ऐसा ही है। जैसे कि आपने टाइगर फॉल वाले वीडियो में देखा था, मैंने उसको 8वां अजूबा का जो नेम टैग दिया है, तो है ही एक्चुअली में वो 8वां अजूबा की तरह ही है, अलग ही बातें रहती है उसकी। क्या बोले, तो आपको दिखाते हैं अब आगे का रास्ता, चलते हैं धीरे धीरे। भाई 3 मिनट में ना, कैमरा मैन मुत्तू सामने, 18 सेकंड का बन रहा है, देख लो सबूत आपके सामने। 18 सेकंड बोल रहा हूँ, 3 मिनट 18 सेकंड तो बोला, 3 मिनट 18 सेकंड ना आपका, अब 3 मिनट 30 सेकंड आपका 20 सेकंड में हुआ है। 20 सेकंड? हाँ क्या टाइम से बना रहा है? हाँ है ना, 3 मिनट 20 सेकंड को 20 सेकंड में ला रहा है, आ रहा है भाई देख ले। 20 सेकंड 3 मिनट में आ रहा है, 3 मिनट में आ रहा है, 12 मिनट में आ रहा है। नहीं वो तो 6 मिनट का ब्लॉग, पता नहीं कितने आधे का आज मुझे पता है। तो गाइस ठंडी शुरू हो चुकी है, थोड़ा ठंडा होने लग गया है ऊपर, और इन्होंने मेरे ट्राइपॉड का बजा दिया है बैंड, उसको टेक टेक के जा रहे हैं। तो भाई कलश थोड़ा अंदर की साइड चल, जो ये मलवा है या रोड़ा बोले इसको, तो इसमें पैर फिसल जाता है, तो ऐसे तेरा वेट ज़्यादा है, तो फिसल के इतनी नीचे ही मत चले आइयो। भद्राज देवता मंदिर के दर्शन करने
आया है नीचे से ऊपर जाने के लिए, डायरेक्ट ऊपर ना पहुंच जाइयो। वो तो सही बात है। धीरे धीरे चलना, तू फिर रुक जाता है, दौड़ भी नहीं रहा। दौड़ रहा था चलो बात भी थी। आराम से यार, अगली बार से ना रस्सी लेके आना है। दो बैल को ले, दोनों के कमरे बांध के आगे से चल चलना पड़ेगा, सबके आगे से कमरे बांध के। मैं सोच रहा डर्ट बाइक घुमाने की फ्यूचर में, डर्ट बाइक बीच बीच में ना वो है थोड़ा जड़ है ना, जड़ वो ज़्यादा अप डाउन है, उसी में दिक्कत आएगी, नहीं तो इस ऐसे रोड में तो आराम से चल जाएगी। एक दो जगह में ज़्यादा नहीं है ऐसा, अगर दो तीन बंदे आएंगे ना वो हल्की वाली डर्ट बाइक होगी तो मतलब अप डाउन करके आराम से आ जाएगा। मुस्तांग में होता मुस्ताक जाने के लिए ठीक है, होता काफी लंबा होने वाला है ये वीडियो पूरी बनाई है, दो तीन पार्ट में बनाए जैसे लग रहा है मेरे को। ये तो पूरे कवर कर लिया मैंने ट्रैक, दूसरा बैटरी लेके है एक चार्ज में भी लगा दिया मैंने, तीन बैटरी है ना मेरे पे। तो मैंने तो सोचा ही था मतलब ये पूरा रोड कवर करूँगा और आने वाले भी, तो थोड़ा बीच में गलत भी आए हैं हम, मतलब ट्रैक पकड़ लिया है थोड़ा सा गलत भी आए हैं, लेकिन पकड़ लिया हमने ट्रैक, क्योंकि जो आगे चल रहा है ना ये कहीं कहीं से घुमा फिरा के ला रहा है हमको। और वो जो दूसरा जो ऊपर से आ रहा था ना वो लड़का, वो वहीं से गया जहाँ से गौरव लोग आए, यानी कि वो है रास्ता। और ये लाया हमें पूरा पहाड़ पूरा घुमा के, फूल ही फूल लगते हैं, बोल बोल के पता नहीं कहाँ कहाँ से लाया। तो है भाई जंगलों से घिरा हुआ ये पूरा रास्ता, तो इस रोड में अभी तक हमें सिर्फ एक ही भाई मिला है, जो कि जब हमारा नीचे से जहाँ पे बद्राज दिखता है वहाँ पे मिला था। बद्राज की स्टोरी मैं कवर कर चुका हूँ, बता देना मैंने तो उसको तो मैं तो क्लियर बता चुका हूँ यार, गाड़ी में बताया था उसको, व्लॉग में भी कवर कर दिया मैंने नीचे। अब व्लॉग देखने के लिए तीन दिन इंतजार करो, तो वही टाइम तो लगता ही है, यूट्यूब इतना टाइम लगाता है प्रोसेस करने में, तो भाई क्या बोल सकते हैं, वीडियो तो डल जाती नहीं तो जल्दी। तो नीचे देखो खाई है खाई और रास्ता, साथ वाले जो हैं हमारे वन के सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वैलिड वॉच आवर्स, उसके बाद तब सोचेंगे, अभी तो गरीब आदमी है हम। आप गरीब बन लगे हम क्या थे बेइज्जती मत करो तुम मेरे ब्लॉग में यार, वो फील नहीं हो रहा अभी चढ़ाई चढ़ने वाला अरे नीचे स्टार्टिंग में तो बड़ा भयंकर था, वो तो घुटने के काफ दर्द हो गए पूरे, बहुत कमर तो दर्द नहीं हुआ, वो तो आदत है, लेकिन काफ दर्द हो गए क्योंकि एकदम से वो है ठंडा ठंडा पैर था, इस वजह से मैं सोच रहा था अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो नीचे का ये पैंट खोल के निकर बना के चलेंगे,
इतनी दिक्कत हो नहीं रही है। हाँ मैंने तो पहले कल ही बोला था तुम लोगों को निक्कर लेके आना, क्योंकि तो अगर हो सकता है निक्कर में जाने में ठीक है ना। अरे भी ठंडा है ना, भी ये तो इस पैच में ठंडा है, थोड़ा बॉडी गर्म नहीं हो रही ना अभी। एक तो मौसम भी ठंडों का है, बॉडी अगर प्रॉपर गर्म होगी कंटिन्यू चले ना। अब तो रुकना पड़ रहा है इनके लिए 10 बार, तो वो आ भी रहा देख लेना मेरा 6:30। गौरव काफी आगे चले गया, वैसे लग नहीं रहा था मेरे को इतने आगे चल पाएगा। एक्चुअली में रास्ता थोड़ा इजी हो गया ना। स्नोफॉल सो गाइस, देखने में आगे थोड़ा स्नो दिखाई दे रहा है, थोड़ी स्नो भी हमको मिल चुकी है यहाँ पे। और मैं चल रहा हूँ एक टी शर्ट में, देखो बर्फ़ गिरी हुई है, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना कि इतना टायरसम है ये जो ट्रैक है, तो यहाँ पे पसीने निकलने वाले तरीके से। वैसे गर्मी में तो भाई तरीके से निकलेगा, लेकिन शायद हवा भी चलेगी उस टाइम, लेकिन इस पैच में तो हवा इतनी चलेगी उस साइड वाली में चलेगी। तो बर्फ़ देखने को हमें मिल गया है नीचे। पहले हमने सोचा था भद्रास ट्रैक करने आएंगे जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन उस टाइम आ नहीं पाए, वही भैया की शादी थी उस टाइम तो आ नहीं पाया भाई। तो अभी आए हैं हम काफ़ी दिनों बाद, तो अभी मौसम जो है थोड़ा गर्म हो चुका है मौसम, तो उस वजह से बर्फ़ ज़्यादातर है पिघल चुकी है। शायद हमें भद्रास के और क्लोज जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाए थोड़ी बहुत, देखते हैं क्या होता है। हाँ मौसम तो धुंध नहीं है, जैसे कि बर्फ़ दिख रहा है यहाँ पे और नीचे बर्फ़ दिख रहा है पूरा। नीचे चलते हुए जैसे बर्फ़ में चल रहे हैं, थोड़ा सा बर्फ़ इधर। अरे वो तो काम था, हम थोड़ा लेट गए, पहले जाते ना, मेरे दोस्त लोग बता रहे थे कि बहुत गाड़ी फिसली थी। अब लग रहा है ऊपर जैसे जाते रहेंगे तो इस टाइम पे भी हमें बर्फ़ काफ़ी मिल जाएगी, तो बर्फ़ के ऊपर चलते हुए मुत्तू। क्या आवाज़ है कि नहीं, कच्चर 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 वाली। अब थोड़ा चढ़ाई आ गया, जमा कर ले तू भी, जैसे ही चकरा था मैं वो जमा कर रहे थे अंकल। ये हाथ में ले ले ऐसे पिघल जाएगा वो। ये पता क्यों है, क्यों जम रखी? हाँ मौसम ठंडा है ना इधर का, यहाँ पे धूप नहीं आ रही, इस वजह से पिघल नहीं पा रही वो। तो वहाँ पे एक ओपनिंग दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से भद्रास का व्यू और क्लियर आएगा जाता मेरे को लग रहा है। तो हमने जैसे स्टार्ट किया था उस टाइप की कुछ चढ़ाई आ चुकी है अभी। नहीं हालत तो ख़राब नहीं होगी, चढ़ जाएंगे, पिछले वाली चढ़ाई जैसी नहीं होगी जो स्टार्टिंग में थी। धीरे धीरे चलेंगे लेकिन चढ़ जाएंगे आराम से, यहाँ पे अब कलश रुकेगा। क्या कर रहा है? यही चीज़ जो देख के बहुत गंदा लगता है, उसे खा पी के फेंक देते हैं। आते हुए इनको बोलूँगा बच्चों को फेंकने के लिए, पूरा गंदा कर रखा है। अब देखो अब जल्दी आ पाए तो थोड़ा बहुत हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए यार। आप आ रहे हो इतनी अच्छी जगह में,
इतना कचरा मचा रखा है। मेरे बैग में पड़ा हुआ है जितना भी मैंने खाया है। ऐसा मत करो यार, या तो आप ठीक है जला दो उसको, ठीक फेंक नहीं सकते तो। जो वातावरण को गंदा कर रहे हैं बहुत बुरा लगता है यार। तो यहाँ पे है किसी का घर, तो गाड़ी भी लेके आया है। कहाँ से लाया हो गाड़ी? यहीं से आती है मसूरी वाला रास्ता? हाँ यही आती है मसूरी वाला रास्ता, पर नीचे बहुत खराब है। हाँ तो जैसा कि पहले आ रखा है मुझे बता रहा है, ये जो रूट है जहाँ पे दुकान वगैरह, तो ये है मसूरी का रास्ता। यहाँ से इन्होंने ब्लॉक भी कर रखा है। और ये देख बर्फ़ देख रहा, ऊपर बर्फ़ रखी हुई है। इसने अभी अभी रखा है जाने लग रहा है। तो जो हमारा गाइड है मुत्तू, ये हमेशा गलती लेके आता है और पता देता है, सबसे ज़्यादा लंबा बना देता है सफ़र को, उल्टा पता नहीं कहाँ कहाँ से लिया है ये। तो आप मुत्तू के साथ अगर ट्रैवल करते हो तो इसके शॉर्टकट के चक्कर में आपको होने वाला है लॉन्ग कट, जैसा कि अपना हो रहा है। काफ़ी घूम चुके हैं हद से ज़्यादा। हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा रहा है। सो गाइस थोड़ा रुक गए थे, कलश फिर से पीछे छूट गया था, आ रहा था लेकिन धीरे धीरे, तो कंटिन्यू करते हुए मद्रास टेंपल के एकदम पैर में आ चुके हैं। जैसे कि सामने दिख रहा है मद्रास टेंपल, और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा हो रही है। जस्ट पहुँच ही चुके हैं मद्रास टेंपल, वो सामने दिखाई दे रहा है। हाँ तो कलश कैसी फीलिंग लग रही है टेंपल के पास? हम काफ़ी जल्दी पहुँच चुके हैं वैसे, फाइनली आ गए। तो यहाँ से भी टेंपल के लिए रास्ता बन रहा है, शायद अब इस साल अब अगस्त 15 से 17 तक जब यहाँ पे मेला लगेगा तो उसके लिए बन रहा है। अभी शायद उस जगह से प्रॉपर रोड बन चुकी है शायद मसूरी से। हाँ, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ नीचे से गाड़ी लाया ना नीचे का, यहाँ से बनने वाला नया रोड। ये भी नया बना दिया भाई, मैं आया तो नहीं हूँ पहले, लेकिन दिखने में लग रहा है पूरा नया है। और साइड में पड़ी हुई है बर्फ, पिघली नहीं अभी तक। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, काफ़ी थकावट भरा रहा रास्ता, लेकिन मेरे को लग रहा था काफ़ी दूर होगा नीचे से तो देख रहे थे, लेकिन पहुँच गए काफ़ी जल्दी पहुँच गए। जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर है मंदिर, रास्ता क्लियर करते हैं। देख उधर से था शायद नीचे से रास्ता, वो घुमा के लिए आया हमें। दो ये जो रास्ता बन रहा है नीचे की तरफ, वहाँ से भी रास्ता था जहाँ से हमारा एक्चुअल रूट था, घंटी भी लगा रखी है हमें,
लेकिन वो थोड़ा घुमा के लिया है हमें मसूरी वाले रोड से। तो नीचे देखो व्यू कुछ इस प्रकार है, और चल रहा है शरद वीडियो बनाते हुए आगे। अभी पूरा एक नया नया बनाया है ये, क्योंकि उसी के लिए तैयारी हो रही है, 15 से 17 अगस्त के लिए तैयारी हो रही है। तो पहुँच चुके हैं मंदिर के पास, और मंदिर देखो ये घास अभी शायद उस वजह से कम हो गई होगी यहाँ पे, क्योंकि बर्फ़ पड़ा था शायद तभी हो गई होगी। मंदिर कुछ इस प्रकार है, पहले मंदिर के एक चक्कर लगा लेते हैं, है ना। वाइट मार्बल से देखो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। नीचे देखो व्यू क्या बढ़िया लग रहा है, वहाँ पे पानी जमा हो रखा थोड़ा। और देखो फाइनली गाइस यहाँ पे थोड़े मार्बल्स वगैरह निकल रखे लगाएंगे वो लोग। तो मद्रास टेंपल कुछ इस प्रकार, अभी पूरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब फ्यूचर के लिए यहाँ पे जो भी काम होने वाला है उसका काम चल रहा है। देखो तो गौरव पहले पहुँच चुका है, गौरव पहले पहुँचने के बाद खुशी देखो उसकी चेहरे की पहुँचने के बाद। तो वहाँ देखो नीचे कुछ ऐसा व्यू है भाई, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। मार्बल्स ही मार्बल्स देखो, ये पीछे का व्यू है, और वहाँ से जो नया रोड बन रहा है वो यहाँ के लिए, यहाँ से चढ़ने का। तो चलो यहाँ से लेके हम चलते हैं आगे से, उधर की साइड जो उधर की साइड है वहाँ से चलेंगे, सामान लेके चलो उधर ही चलते हैं। और ये क्या कर रखा है लोगों ने, देखो नाम ही नाम लिखे हुए हैं, नेपाल से आया है दीपक सहन, कृष्णा यादव, सुजीत साई, मेहो लेडीहुड, क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने, वाइटनर लेके आए थे लगता है यहाँ पे। तो चलते हैं मंदिर के फ्रंट साइड पे, और वहाँ पे करते हैं भद्राज देवता के चरण स्पर्श, फिर उसके बाद करेंगे थोड़ा हम भोजन। वैसे कलश मेरे को इतना ज़्यादा दूर नहीं लगा, अभी दूर नहीं लगा इतना, जैसे अभी ये वाला रास्ता था ना कुदाई कंक्रीट वाला, हां थोड़ा वैसा रास्ता रहता ना, तो इतना लेट नहीं लगता हमें करने में। तो यहाँ पे जूते उत्ते खोल के चल जाते हैं मंदिर में, दर्शन करके आते हैं। सो भाई ऊपर चढ़ रहे हैं अब आशीर्वाद लेते हुए। तो बहुत ठंडा है भाई, ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है इसमें, बर्फ़ के जमा है, बर्फ़ पिघल रखा है यहाँ पे, पूरा ठंडा है। और जो साथ वाले हैं चढ़ चुके हैं, और घंटी बजा देते हैं। ये देखो कलश के पीछे पूरा पसीना पसीना हो रखा है। तो भद्राज देवता का मंदिर कुछ इस प्रकार है भाई, ये देखो अंदर से व्यू। व्यू कुछ इस प्रकार है अंदर का, तो मन्नत मांगते हुए हमारे भाई लोग और पीछे खड़े हैं, मन्नत मांगने के लिए रुके हुए हैं अपने अपने टर्न का वेट करते हुए। वीडियो बना दो, हम करते हैं थोड़ी पूजा।
बर्फ में जम के ऐसी हो गया हो? अरे बाप रे। सो गाइस, धूप बत्ती की हालत ऐसी है ना, ये ठंडा हो गया, इतना जम रखा है, खुल भी नहीं रहा ढंग से। धूप बत्ती ओपी। तो हाथ की लग रही है इसमें पूरी पावर भाई। हे भगवान, मेरे भाई लोगों को सबको बुद्धि दे, हमको भी दे थोड़ा थोड़ा। ये प्रसाद भी चढ़ा देते हैं भाई, ठीक है, प्रसाद भी चढ़ाते हैं। खुल क्यों नहीं रहा है? तो भाई हम लाए थे अपने साथ में सोन पापड़ी, क्योंकि प्रसाद के तौर पे जो घर ले जाके भी बांटना है हमें। तो जैसे कि आप देख रहे हो सोन पापड़ी, ये हम चढ़ाएंगे भगवान को थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा सा चढ़ा देते हैं भगवान को और चलते हैं हम आगे, है कि नहीं? आगे चलते हैं। और लड़के लोग बोल रहे हैं यहाँ पे तीन चक्कर लगाने पड़ते हैं, तीन चक्कर लगाने पड़ते हैं, पहले दान भी करना पड़ता है, ऐसे नहीं है। देखो सिगरेट जेब, देखो दान भी करना पड़ता है, दान भगवान को चढ़ावा भी देना पड़ता है, चढ़ावा नहीं देते तुम लोग। चलो देखो कितना बढ़िया लग रहा है घंटी बजाते हुए। तूने कर लिया पूजा? अरे बाहरी, इसमें तो हाइट नहीं पहुंच रही मेरी। दान पैसे देख कितना ज्यादा बना रखा, पूरे पैसे निकालने पड़ेंगे लगता है। अब मैं गरीब इंसान और गरीब होने जा रहा हूँ पैसे चढ़ा चढ़ा के। टीवी दी गई है, इसमें है नहीं यार, बजाने वाला नहीं है। ना ना। उधर से बना आगे से। घंटी नहीं है किसी में भी, घंटी नहीं है, ऊपर वाली घंटी है बस। थोड़ा प्रसाद यहाँ भी चढ़ा देते हैं। और भाई मेरे पैसे लास्ट ही थे, मैं ज़्यादा लाया नहीं पैसे, गरीब इंसान, अब ख़त्म हो चुके पैसे, अब प्रसाद चढ़ा सकता हूँ बस। प्रसाद चढ़ा देते थोड़ा थोड़ा और चलो। यहाँ तो लकड़ी है, वहीं भी चढ़ाते हैं, चढ़ा देते हैं। जला ले तू भी, तू पति जला ले। और हमारा हो चुका है कंप्लीट, अभी पूजा कर चुके हैं, पूजा कर चुके हैं, थोड़ा भगवान से मन्नत मांग लेते हैं। हे भगवान, भाई लोगों को मेरे बुद्धि दे, इनकी जल्दी जल्दी शादी हो, मन्नू की खास कर, और जल्दी दुकान खोले घर के आगे। कितना करेगा, कितना काफी है। चलो फिर, चलो आओ सब लोग साथ में चलेंगे। जाम हो रहा, जाम बिल्कुल ही।
सो गाइस मंदिर के दर्शन हो चुके हैं पूरे, तो अब जैसा कि फ़ोटो वोटो हमने थोड़ी बहुत खिंचा ली है और मुत्तू के अभी भी फ़ोटो सेशन ख़त्म नहीं हुए हैं। गौरव ने जमा कर लिए ये थोड़े बहुत डॉगीज़ को और उसको थोड़ा हम खाना दे रहे हैं, तो इसके बाद हम नीचे जाके थोड़ा हम भी खा लेंगे इनको, थोड़ा एक एक दो दो पूरी दे देते हैं। हेलो देखिए देखिए कैसे इग्नोर मार रही। देख डर रही है, डर रहा है ये। ले डर रहा है और उनको दे दिया है खाना गौरव ने। इसने तो खा लिया भाई, लगता है ज़्यादा खाता है, खा लिया इसने भी। चलो यू गाइस इंजॉय, हम चलते हैं नीचे की तरफ। ओके बाय। अरे मैं दिमाग से निकल गया। तो चलो चलते हैं नीचे की तरफ। तो चलो नीचे की तरफ नहीं चल रहे क्या तुम? कितना फोटो खिंचाओगे भाई? सो गाइस चल रहे हैं नीचे की तरफ। मंदिर ये रहा हमारे साथ में, मंदिर के चारों तरफ घूम घाम के। ठंडा लगना शुरू हो गया है भाई, एक टी शर्ट में आया था, अब जैकेट मैंने फिर से लगा लिए। चल रहे हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ, थोड़ा जुकाम जैसा भी लगने लग गया। हाँ तो जैसा कि बोल रहा है कहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे। ये जो पहाड़ है इसके ही पीछे से आए थे, काफ़ी दूर से आए हैं। कोई बात नहीं यार, हो जाता है, सब हो जाता है। हम धीरे धीरे चलते हैं नीचे की तरफ। थोड़ा मंदिर में बोल रहे थे लोग खाना खाने के लिए, मैंने फिर बोला मंदिर में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे खुला एरिया होगा, वहाँ पे बैठ के खाएंगे, है ना। तो हमें आना खास नीचे से इस रास्ते से था, लेकिन जो है मुत्तू उधर से ले आया ना, उस वाले रास्ते से, जो उस साइड से आए थे हम। तो कोई बात नहीं, तो अब यहाँ से चले जाते हैं। तो रास्ता वही है सेम जैसे कि हम आए थे, बस थोड़ा सा अलग है रास्ता। तो मैंने पूरा कवर कर लिया है ऊपर आते वक्त, तो अभी कर देता हूँ मैं कैमरा को क्लोज़, और जब हम खाने बैठेंगे तब थोड़ा वीडियो बना लूँगा, मतलब जो हम लेके आए हैं वो खाते वक्त। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं थोड़ा आगे, फिर खाएंगे, तब तक के लिए करते हैं ऑफ। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं हम, और कलश खा रहा है गपा गप दे दनादन। लेके आए थे जो हम अपने साथ, ये कुछ इस प्रकार बैठे हैं देखो साथ में, बीच में जल रही है आग और पूरी हो रहा है गरम, और मन्नू सब लोग बैठे हुए हैं साथ में। देखो क्या मज़ा आ रहा है भाई। मज़ा आ रहा है भाई कलश? तो गाइस पूरी हो चुकी है गरम, थोड़ा पूरी खाते हैं धीरे धीरे। बढ़िया हो रहा है। कैसे गर्म हुआ? हो गया, कोई बात नहीं। हाँ आप गाना उना लगा।
तो भाई अब थोड़ा खा लेते हैं, नीचे उतरेंगे उसके बाद वीडियो करते हैं यहाँ से एंड। मज़े ले रहे हैं भाई बॉनफायर के साथ, दिन में ही ठंडा हो रहा था इसलिए आग जला ली, और खाना भी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मज़ा आएगा इसलिए हमने जलाया। चलो मिलते हैं बाद में। सो गाइस, ट्रैक पूरा करने के बाद फाइनली वापस पहुंच चुके भाई अपनी स्कूटी के पास जो कि यहाँ लगी हुई है। यहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था, ये आपने पहले भी देख लिया था, यहाँ से हमने शुरू किया है और स्कूटी लगाई थी हमने यहाँ पे लगी हुई साइड में हमारी स्कूटी, और मैं पहले आ गया बंदों से, वो आ ही रहे हैं जस्ट पहुँचने वाले होंगे, रास्ते में होंगे, तब तक मैं उनका वेट कर लेता हूँ थोड़ा।